सो गाइस देख सकते हैं रास्ता बंद है, आगे नहीं जाया जा सकता, पूरी तरीके से रास्ता बंद है। सो दोस्तों लांगजा वाली राइड तो काफ़ी अच्छी थी और यहाँ से प्लान हो चुका है चेंज। हम तीनों के तीनों जा रहे हैं खिब्बर एंड की तो रास्ते में ही पड़ता है और खिब्बर पड़ता है की से 6 किलोमीटर आगे। तो ये सुबह से शाम तक की जर्नी है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे अगर मौसम ने साथ दिया तो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है, फिर भी हम उसी दिशा में बढ़े जा रहे हैं। सो दोस्तों ये है वो लोकेशन, बड़ी फेमस सी लोकेशन है, आई लव स्पीति। ये देख रहे हो ये सभी जितने भी ये डिज़ाइन बनाया गया है ये कचरे से बनाया गया है। ये जो आप पूरा पानी पीकर बोतल फेंक देते हैं स्पीति में कहीं भी, सो यहाँ के लोगों ने उस कचरे से ये आर्ट बनाई। आई लव स्पीति, ये आई है वो लव है वो स्पीति है। सो प्लीज़ गाइज गंदगी ना फैलाएँ, ओके। सो बाकी अमित भाई आगे निकल गए थे या अभी वापस लौट के आए हैं, इनको लगा कि यार वो बंदे तो आए नहीं, कहाँ रह गए। सो ये जो ब्रिज देख रहे हो दोस्तों, ये जो आ रहा है अब आगे, ये काजा से आगे पड़ता है और यहाँ पर इंडिकेशन दी गई है। मैंने पिछली बार भी रिपीट कराया था, मैं इस बार भी आपको रिपीट कराऊंगा कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ जाती है, ओके। सो खिब्बर के लिए इसने बोला है राइट और रैंगरिक और ग्राम्फू एंड स्पीति रिवर के लिए इसने बोला है लेफ्ट। चलिए चलो चलो सीधे ही तो है, क्या हो गया? अच्छा पत्थर गया गया, मैंने देखा आवाज आई है। हाँ हाँ चलो 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 चलो, पहिया घूम रहा भैया, चलो 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 चलो, ओ आराम से आराम से। सो दोस्तों मेरे सर के पास से गया है पत्थर, अगर अमित भाई का कैमरा ऑन होगा तो पता चल जाएगा। इन्होंने बताया और मुझे भी फील हुआ है कि हाँ सर के पास से कुछ गया है। सो आसान नहीं है मेरे दोस्त, इधर राइड करना, हर तरफ जंगली जानवर के निशान है हर तरफ। वो देखिए क्या कहते हो, ये कोई कुत्ता थोड़ी घूम रहा है, कुत्ता नहीं है ये, तेंदुओं के और फॉक्स के निशान है। लकड़ी का ब्रिज विद कील, बचा के चलना होगा। काफी स्टीप है लेकिन ये बड़े प्यार से जा रही है, मक्खन बीच में पड़े हुए पत्थर का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों मैं आ गया हूं की विलेज में, ठीक मेरे सामने है की विलेज। और ठीक सामने है की मोनेस्ट्री, आप देख सकते हैं। इसके लिए अलग से रास्ता गया है गांव के बाहर से ऊपर की तरफ, आपको पहले गांव के बाहर जाना होगा। वेलकम टू की विलेज गाइस, की विलेज में आपका स्वागत है। सो गाइस मेरे राइट साइड पे आप जो शीशे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये है वृद्ध आश्रम स्पीति की, ओल्ड एज होम स्पीति की। सो यहाँ पर बुजुर्गों की सेवा की जाती है, उनके लिए एक घर बनाया हुआ है, ग्रेट।
लीस्ट दे आर सेफ एंड सिक्योर। बाकी गांव के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, सामने ही यहाँ पर इन लोगों के खेत हैं लेकिन अभी वो बर्फ में दब गए हैं। ये वाला गेट जाता है की मोनेस्ट्री की तरफ और ये वाला रास्ता जाता है खिब्बर। सो अभी हमें जाना है खिब्बर, सो चलते हैं गाइस, चलो। वाह क्या रास्ता है। सो गाइस खिब्बर यहाँ से है 6 किलोमीटर, कुल 6 किलोमीटर। सो लास्ट ईयर तो मैं खिब्बर जा नहीं सका था क्योंकि इस रास्ते पर बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ थी, बहुत ज़्यादा बर्फ। आई मीन ये रास्ता देखा ही नहीं जा सकता था। इस बार तो चलो दिख भी रहा है, लास्ट ईयर ये दिख ही नहीं रहा था कि हाँ रास्ता भी है। उम्मीद करता हूँ कि कल वाला सीन ना बने जो लांगजा और हिक्किम वाला बना, अंधेरे में हम सबको राइड करनी पड़ गई। नाइट में बर्फ़ पर थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें आइडिया नहीं लगा सकते आपकी बाइक चल कहाँ रही है, किस तरह का सरफेस है। गाइस जिस जगह मैं अभी चल रहा हूँ ये है खिब्बर और ये फेमस है स्नो लिपर्ड के लिए। आपको पता नहीं कब आपके सामने कार के सामने एक स्नो लिपर्ड आ जाए या बाइक के सामने या आपके सामने। सो यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो लिपर्ड रहते हैं छुपकर, ठीक है, उनका कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, बस रहते हैं, कभी कभी लोगों के सामने आ जाते हैं। अभी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक कार के सामने 3 स्नो लिपर्ड आ गए थे। सो ये पूरा एरिया उनके लिए सिक्योर है। वो दो बाइक सामने से आ गई है और 3 हमारी हैं, देखते हैं कैसे। चलो 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 घूम गई थोड़ा पीछे पीछे पीछे, चलो 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 ठीक है ओके। प्रदीप भाई बिल्कुल प्यार से चलना वरना फेना ही लेना। पूरा का पूरा पैच कीचड़ से भरा हुआ है। चलो 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 आराम से हो गया था अभी हो गया था काम। सो दोस्तों ये लो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, हम पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज पर और इसके बारे में आपको चलो थोड़ा सा बताते हैं। एक समय में एक ही वाहन पार करें, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करें और चीचम ब्रिज, वाओ। और ये एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है, दिखाना चाहूंगा, बहुत गहरा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। देखिए गाइस ये एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है, ये है चीचम ब्रिज।
सो गाइस फाइनली हम चीचम ब्रिज पर हैं, मैं अमित भाई और प्रदीप भाई। मजा आ गया, सुबह से इसी का वेट कर रहे थे। दोस्तों चीचम ब्रिज को तो कह दिया है हमने बाय बाय और हम बढ़ रहे हैं आगे के एडवेंचर की तरफ। देखते हैं जहां तक रास्ता खुला होगा वहां तक जाने की कोशिश करेंगे, जहां पर रास्ता बंद होगा वहां से वापस आ जाएंगे। वाओ दोस्तों, ये है क्यूटो विलेज। सो आगे के एडवेंचर की खोज में हमारी बाइकें बढ़ रही हैं क्यूटो विलेज से। ऊपर जाने का तो मुझे लगता नहीं कोई रास्ता होगा, शायद ऊपर का रास्ता बंद है। सो अमित भाई ये रास्ता कह रहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मेरा कीड़ा तो है, लेकिन कीड़ा तो है वहाँ पे, ठोकर ऐसी है दोबारा दोबारा नहीं चढ़ेगी अगर नीचे उतर की तो। और वहाँ का जो पूरा रास्ता ब्लॉक है ये, वो तो ब्लॉक की मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री चलते हैं, बेस्ट बेस्ट लोकेशन है। घुमाओ भाई घुमाओ, प्रदीप भाई घुमाओ। सो दोस्तों रास्ता आगे बंद है और हमारा एडवेंचर ये क्यूटो वाला एंड हो गया। अब कोई और नया एडवेंचर देखते हैं। सो अब हमने क्यूटो से की मोनेस्ट्री का प्लान कर लिया है। सो गाइस देख सकते हैं रास्ता बंद है, आगे नहीं जाया जा सकता, पूरी तरीके से रास्ता बंद है। रास्ता एंड है, पूरा एंड है। और रास्ता चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बुलाता हूँ मगर आने का नहीं। चलो